जी हाँ, बहुत बड़ी सूचना जो है यहाँ पर आ चुकी है क्लास 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, उनके एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर जैक ने जो है डेट के लिए जो है यहाँ पर संभावनाएं जताई है, और यही डेट से शायद एग्जाम जो है आपका होने वाला है। तो क्या है डेट, कैसा रहेगा रूटीन, पूरी तरह इस बात को जानने के लिए वीडियो से बने रहे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर सूचना आ रही है कि जैक बोर्ड जो 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए नोटिस क्लियर किया जा चुका है कि 7 दिसंबर से, जी हाँ 7 दिसंबर से मैट्रिक के जो टर्म 1 की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है 7 दिसंबर से, और 9 दिसंबर से इंटर का जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। और खास बात इसमें यह है कि मैट्रिक के एग्जाम के लिए बस 2 ही दिन का समय जो है यहां पर दिया जाएगा, यानी 7 और 8 दिसंबर के, यानी 2 दिनों में ही एग्जाम खत्म हो जाएगा 7 और 8 दिसंबर में। और यहाँ पर इंटर के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा, यानी 9, 10, 11 दिसंबर के बीच उनका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैक पूरी तरह तैयार है एग्जाम लेने के लिए, और बता ही दिया मैंने कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर तक में मैट्रिक का जो टर्म 1 का एग्जाम है 40 मार्क्स का वो हो जाएगा, और इंटर का 3 दिनों के अंदर हो जाएगा, 9, 10 और 11 के बीच हो जाएगा। और रूटीन जो है सब्जेक्ट को लेकर वो आपको मिल जाएगा अगले हफ्ते में, क्योंकि आप सबको पता है कि 20 नवंबर तक लेट फाइन के साथ मैट्रिक और इंटर का फॉर्म जो है भरा रहा है। तो जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके रूटीन जो है आ जाएंगे कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट टाइम बहुत कम है, 7 और 8 को एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा मैट्रिक का, और इंटर का 9, 10, 11 को हो जाएगा, ठीक है। और आप सबको बता दें कि इस नंबर को जो है आपको पता ही है कि फाइनल रिजल्ट में जो है जोड़ा जाएगा, इसलिए इस एग्जाम को अच्छे से देना है। और आपके एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम होगा, जी हाँ एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम आपका होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि मैट्रिक में 5 विषय जो कंपलसरी है उसकी तैयारी चल रही है, पहले टर्म में सभी विषय की 50 अंकों की होगी, OMR सीट पर होगा, और इंटरमीडिएट की परीक्षा 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट पहले टर्म में सभी विषयों के 50-50 अंकों की परीक्षा होगी और OMR सीट पर होगी, 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 अंक जो है स्कूल की ओर से इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिए जाएंगे, इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है खास बात फिर से सुन लीजिए कि 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जी हाँ 40 नंबर का नहीं होने वाला है, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 40 नंबर OMR सीट पर और 10 नंबर जो है स्कूल से आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आपको पता है कि फाइनल एग्जाम जो है 10 से 25 मार्च के बीच होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।